वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोगों का चल रहा था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हमें केवल बैक्टीरिया के बारे में देखना है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें केवल एक ही सेल प्रेजेंट होती है, एक ही सेल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है, एंड इसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकांड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से इसमें क्या है, वेल डेवलप नहीं हो पाता है, एंड इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू इट लुक लाइक एज स्मॉल कैप्सूल। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, यानी कि उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, है ना। उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग जब हम बैक्टीरिया को अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के थ्रू जब हम लोग देखते हैं तो उसका हमें लुक, यानी कि वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है, स्मॉल कैप्सूल की तरह दिखाई देता है। आप लोगों ने कैप्सूल तो देखा ही होगा, तो उसी तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, यानी कि स्मॉल कैप्सूल की तरह। आप लोग को इस वीडियो में दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल कैप्सूल की तरह ही है। एंड अब देख लेते हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ये देखिए, यहाँ पे हेयर की जैसा है, इसे हम क्या कहते हैं, पिली कहते हैं। एंड इसमें जो है साइटोप्लाज्म देखिए प्रेजेंट होता है, है ना। एंड जो इसमें पार्ट्स होते हैं उसको बाइंड करने का कार्य किसका होता है, साइटोप्लाज्मिक का होता है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड इसमें देखिए ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और यहाँ पर देखिए ग्रैनुलर इंक्लूजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे फ्लाजेलम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है इसे हम मेसोसोम कहते हैं। ये सेल वॉल होता है, है ना, ये कैप्सूल होता है जो कि इस तरीके से होता है, यानी कैप्सूल की तरह होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब इसका हम पार्ट देख लेते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। इसमें देखिए कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, फ्लाजेलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडी होता है, मेसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और पिली प्रेजेंट होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैप्सूल क्या होता है। तो जो कैप्सूल होता है वो ये जैसे कि स्ट्रक्चर है, तो इसका आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो मोटी सी जो लेयर है ये डैश डैश करके यहाँ पे देखिए, ये बाहरी जो परत होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैप्सूल क्या होता है, उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ आउटर मोस्ट थिक एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो कैप्सूल होता है वो आउटर मोस्ट थिक होता है, यानी कि मोटी सी लेयर होती है, एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो स्लिपरी होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चिकनी होती है। इट इज़ रिजिड एंड फ्लैक्सीबल, तो जो कैप्सूल होता है वो रिजिड एंड फ्लैक्सीबल का मतलब लचीली होती है। तो इट प्रोटेक्ट दिस सेल अगेंस्ट टेम्पोररी ड्यूरिंग बाई प्रिजर्विंग वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो प्रिजर्विंग में क्या होता है, यानी कि जो सेल होता है, जो हमारी सेल होती है उसको क्या करने में, ड्राई करने में, यानी कि सूखने में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
इट ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेग, यानी कि बैक्टीरियोफेग के अटैचमेंट को ये रोकता है। आफ्टर द सेल वॉल आ जाता है, तो देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिजिड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी क्या होता है, कठोर होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है ना। इट गिव दी शेप टू दी सेल, यानी कि जो सेल वॉल होता है वो सेल को क्या करता है, शेप देता है, या हम कह दें कि सेल को क्या करती है, ओवर भी बनाती है। इट प्रिवेंट्स दी सेल फॉर्म एक्सपेंडिंग एंड ब्रूस्टिंग, यानी कि जो हमारी सेल होती है उसको क्या करती है, एक्सपेंडिंग एंड ब्रूस्टिंग करती है, यानी कि फैलने और सिकुड़ने में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो हमारा सेल वॉल होता है, यानी कि सेल वॉल के आधार पर हम बैक्टीरिया को टू टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव में एंड दूसरा ग्राम नेगेटिव में। तो सेल वॉल आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी क्या होता है, कठोर होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। एंड ये जो सेल वॉल होता है वो सेल को क्या करता है, शेप देता है, यानी कि ओवर व्यू बनाता है। एंड इट प्रिवेंट्स दिस सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड ब्रूस्टिंग, यानी कि सेल को प्रिवेंट्स कराता है इसमें फैलने और सिकुड़ने में। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के आधार पर हम बैक्टीरिया को दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव में एंड दूसरा ग्राम नेगेटिव में। तो इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल आर बैक्टीरिया, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थिक लेयर होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेड अप विथ फास्फोलिपिड बाई लेयर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। एंड इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, कार्य करता है या वर्क करता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम देख लेते हैं फ्लाइजेलम क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ 15 to 20 nanometer लॉन्ग थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड 2 to 5 nanometer डायामीटर। तो ये 15 to 20 nanometer लॉन्ग होता है एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हेयर की तरह होता है, यानी कि बाल की तरह होता है। एंड 2 to 5 nanometer डायमीटर में होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट वर्क लाइक एस एंटीना विच गिव सिग्नल टू बैक्टीरिया फॉर फूड डेंजर लोकोमोशन ईटीसी एंड मेड अप बाई फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो इस पॉइंट्स का मतलब है कि जो हमारा फ्लैजेलम होता है वो एंटीना के थ्रू क्या करता है, वर्क करता है और बैक्टीरिया को सिग्नल देता है, किसके लिए, फूड डेंजर लोकोमोशन ईटीसी, है ना। एंड ये किससे मिलकर बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। तो देखिए लिखा हुआ है लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरीके से, यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोइड कंटेन, तो आप लोग ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा था जो कि ये एक प्रकार से है तो न्यूक्लियस ही है ना। तो न्यूक्लियस होता है लेकिन ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो कितने परसेंट कंटेन करता है, 60% डीएनए को कंटेन करता है, 20% आरएनए को कंटेन करता है, 10% प्रोटीन को कंटेन करता है। इन तीनों, यानी कि डीएनए और आरएनए प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों से, यानी कि इतने परसेंट से मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लियोइड। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एंड अब देख लेते हैं इंक्लूजन बॉडी। इट स्टोर्ड ऑफ और फूड ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो हमारा इंक्लूजन जो बॉडी होता है वो फूड को स्टोर करता है एंड बैक्टीरिया के फूड
को स्टोर करता है, वो भी किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद हम देखेंगे मेसोसोम। तो देखिए मेसोसोम में लिखा हुआ है इट इज स्लाइटली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये स्लाइटली प्रेजेंट होते हैं सेल के इनसाइड में। एंड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो मेसोसोम होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह कार्य करते हैं। एंड इट हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। और जो मेसोसोम होते हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद देख लेते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो भी किस में, बैक्टीरिया में। एंड इन बैक्टीरिया 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। वो बैक्टीरिया में 70 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इतना आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया। देखिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग केवल जब नोट से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को ऐसे ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एंड अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि पीली इसमें लिखा हुआ है इट इज स्मॉल थिन 8 to 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हेयर की तरह होता है। एंड ये स्मॉल होते हैं, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसी को हम पिली बोलते हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, 8 to 10 होती है। देखिए आप लोग इसको 8 to 10 ही बनाइएगा, ज़्यादा मत बनाइएगा। हम बना दिए हैं बट आप लोग मत बनाना है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विथ आउटर बैक्टीरिया। तो पिली जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, बैक्टीरिया के अटैचमेंट, वो भी किसके साथ, आउटर बैक्टीरिया के साथ। आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसफर इन जेनेटिक मटेरियल। तो ये सदैव हेल्प करते हैं किसमें, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।